महाराष्ट्र में राजनीति के मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत और पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात ने हवा का रुख बदल दिया है। इस मुलाकात ने राज्य में एनसीपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। कयासों का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक पंडित अब अनुमान लगाने लगे हैं कि शिवसेना का झुकाव अब एक बार फिर बीजेपी की तरफ होने लगा है और इसी वजह से शिवसेना सांसद ने फडणवीस से मुलाकात की है। फडणवीस के करीबी नेता प्रवीण दारेकर ने ये कहकर कयासों को बल दिया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बड़ी बात तो ये है कि मुलाकात से पहले इसकी सूचना दोनों दलों की ओर से गुप्त रखी गई थी। बात सार्वजनिक होने पर राउत ने स्पष्टीकरण दिया कि वो शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए फडणवीस का साक्षात्कार करना चाहते हैं। इसी संबंध में उनसे मिलने गए थे। बता दें कि राउत सामना के कार्यकारी संपादक हैं। बाद में बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि फडणवीस ने इस शर्त पर बिहार चुनाव के बाद सामना को साक्षात्कार देने की बात कही है कि उनकी बात बिना संपादित किए प्रकाशित की जाए। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता की आधिकारिक बात को अलग किया जाए तो इससे पहले बीजेपी नेता नारायण राणे भी शिवसेना और बीजेपी को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य में दोनों पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है। कुछ दिनों पहले राउत ने भी ट्वीट कर बीजेपी शिवसेना के संबंध सुधरने के संकेत दिए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मुलाकात दोनों दलों के संबंधों को पुनः गठबंधन के स्तर तक ले जाने का प्रयास है। इस मुलाकात के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी ये कहकर सवाल खड़ा कर दिया है कि वर्तमान सरकार को गिराने का प्रयास हम नहीं करेंगे, लेकिन यदि ये अपने ही अंतर विरोधों के कारण गिरी तो आगे क्या होगा। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस गिराना बीएमसी को भारी पड़ रहा है। कंगना ने बीएमसी को कोर्ट में घसीट लिया है और कोर्ट ने बीएमसी से ऐसे ऐसे सवाल किए हैं जिसका जवाब भी बीएमसी के अधिकारियों के पास नहीं है। इसके साथ ही शिवसेना सांसद संजय राउत भी लपेटे में आ गए हैं। कुछ दिन पहले राउत ने अभिनेत्री कंगना रनौत को गाली दी थी। अब कोर्ट ने राउत से सवाल पूछा है कि संजय राउत को ये बताना होगा कि उन्होंने हरामखोर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय राउत के वकील ने कहा, मेरे क्लाइंट ने किसी का नाम नहीं लिया। कोर्ट ने राउत के वकील प्रदीप थोराट से पूछा, अगर संजय राउत कह रहे हैं कि उन्होंने कंगना के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया तो क्या हम इस बयान को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं कोर्ट ने आदेश दिया कि राउत के दोनों वीडियो क्लिप कोर्ट में पेश किए जाए जिसमें राउत आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं और दूसरे में उसका मतलब समझा रहे हैं। दरअसल सुशांत केस के बीच कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच काफी वक्त से खींचतान देखने को मिल रही है। कंगना ने कई मामलों में महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी, जिसके बाद बीएमसी ने उनके दफ्तर में अवैध निर्माण का नोटिस दिया और अगले दिन ही उसे गिरा भी दिया। वहीं राउत भी लगातार कंगना पर निशाना साध रहे थे। हालांकि ऑफिस गिराने के बाद मामला कोर्ट में चला गया और कंगना की अर्जी पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि राउत को भी मामले में पक्षकार बनाया जाए। अब कोर्ट की सख्ती से राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी से 2 करोड़ के मुआवजे की मांग पर कंगना के वकील ने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर कोर्ट चाहे तो किसी को भेजकर नुकसान का जायजा ले सकती है। इस पर कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी फाइल कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। ऐसे में जैसे जैसे कोर्ट की सुनवाई बढ़ रही है वैसे वैसे शिवसेना सांसद संजय राउत और बीएमसी की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। कंगना बनाम बीएमसी मामले में अब सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार है। देश भर में कृषि विधेयक पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अभी भी इस पर राजनीति कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा में इस विधेयक पर कांग्रेस को विपक्ष के दूसरे नेताओं का साथ नहीं मिला। इसके बाद भी कांग्रेस इसे किसानों के खिलाफ बता रही है। राज्यसभा में तो महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल शिवसेना ने ही कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठा दिए, जबकि एक दूसरे नेता ने ये तक कह दिया था कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में इस विधेयक का जिक्र है, बावजूद इसके कांग्रेस इस पर राजनीति करने में जुटी है। लखनऊ में कांग्रेस के नेता कोरोना महामारी की परवाह किए बिना और कानून को हाथ में लेकर प्रदर्शन करने उतर गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और दूसरे पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने बताया कि किसान विरोधी कानून के खिलाफ पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू के नेतृत्व में एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता और अध्यक्ष जब राजभवन की ओर बढ़ रहे थे तब सभी को गिरफ्तार कर पुलिस इको गार्डन ले गई, जहां उन्हें रखा गया है। हालांकि बड़ा सवाल है कि आखिर जब संसद से इस कानून को पारित कर दिया गया है तो कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है। दरअसल ऐसी खबर आ रही थी कि कांग्रेस शासित राज्य में ही कृषि विधेयक को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं।
हालांकि संसद से पारित विधेयक पर राजनीति करने की कांग्रेस की पुरानी आदत है। पिछले दिनों CAA और NRC के खिलाफ लोगों को भड़काने में भी कांग्रेस का ही हाथ था और एक बार फिर कृषि विधेयक पर कांग्रेस राजनीति करने उतर गई है। फिल्म अभिनेता सुशांत की हत्या के बाद शुरू हुई CBI जांच और उसके बाद NCB की जांच ने बॉलीवुड की नींद उड़ा दी है। जांच सुशांत की हत्या की शुरू हुई थी, लेकिन बॉलीवुड के अलग दुनिया का सच देश के सामने आ गया है। दरअसल ये सच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की NCB से पूछताछ की वजह से सामने आया है। रिया ने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की पोल खोल के रख दी है। इसके बाद तो NCB के हाथ बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे चढ़ रहे हैं। बीते दिनों फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से पूछताछ की बारी थी। NCB के समन के बाद दीपिका गोवा से आनन फानन में मुंबई पहुंची, लेकिन जब NCB ने पूछताछ शुरू की तो दीपिका के आंख में आंसू आ गए। जानकारी के मुताबिक दीपिका NCB के सवालों को जवाब नहीं दे पा रही थी। NCB ने पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने से जुड़े सवाल पूछे। अलग अलग सवालों को घुमा फिरा कर पूछा गया। NCB ने दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठा कर उनके ड्रग्स वाले चैट को लेकर पूछताछ की। NCB के अधिकारियों को दोनों ने एक ही कहानी बताई और वीड के सवाल पर कहा कि ये साधारण रोल्ड सिगरेट थी जिसमें तंबाकू भरकर पिया जाता है और कोड में इसे हैश और वीड कहा जाता है। दीपिका पादुकोण पहले तो सवालों पर घबरा गई और गोलमोल जवाब देती रही, फिर सवालों पर चुप हो गई और जब सवाल थमे नहीं तो दीपिका के आंसू ही निकल आए। ड्रग्स लेने के मामले में दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऐसे ऐसे तल्ख सवाल पूछे कि दीपिका रो पड़ी, उनके आंसू छलक आए। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स लेने के आरोप पर NCB के सवालों ने दीपिका को रुला दिया। पूछताछ के दौरान दीपिका कई बार रो पड़ी। जो बात दीपिका नहीं बता रही है वो सच अब NCB दीपिका के मोबाइल से निकालने जा रही है और अब दीपिका की मुसीबत और बढ़ने वाली है। दीपिका की रोने की वजह के बारे में बात करें तो शायद दीपिका को डर इस बात का भी है कि ड्रग्स केस में नाम आने से उनके करियर और ब्रांड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कहां तो दीपिका डिप्रेशन को लेकर दुनिया को ज्ञान दे रही थी और अब कहां ड्रग्स के सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। हालांकि NCB भी साफ कर चुकी है कि इस बार बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन की सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर ही रहेंगे। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही महागठबंधन में RJD का महाविरोध शुरू हो गया है। पहले RLSP यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतनराम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए हैं और अब एक और बुरी खबर गठबंधन के भीतर से आ रही है। दरअसल RJD शुरू से इस बात पर अड़ी है कि लालू के पुत्र तेजस्वी यादव को CM उम्मीदवार बनाया जाए। RJD नेताओं का कहना है कि चाहे गठबंधन में कोई रहे या नहीं रहे, उम्मीदवार तो तेजस्वी ही होंगे। हालांकि अब इस पर कांग्रेस ने भी पेच फंसा दिया है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस का कहना है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हर पार्टी को अपने नेता को प्रोजेक्ट करने का अधिकार है। अगर RJD ने अपना CM चेहरा घोषित किया है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब गठबंधन की बात आती है तो हम अपने सभी सहयोगियों से बात कर रहे हैं। सबसे चर्चा में उम्मीदवारी तय होगी। गोहिल ने कहा कि गठबंधन के साथ ही चर्चा करेंगे और चुनाव से पहले सबकी सहमति से एक CM चेहरे की घोषणा की जाएगी। अगर एक नाम पर सहमति नहीं बनी तो हम CM का उम्मीदवार घोषित किए बगैर ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले NDA से अलग होने वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिनों बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस RJD के नेतृत्व वाले महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगी। कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में शामिल होने या न होने के सारे विकल्प उनके पास खुले हैं। हालांकि RLSP विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गोहिल की बातों से इतना साफ हो गया है कि तेजस्वी को कांग्रेस CM प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती है। दूसरी तरफ RJD के नेता तेजस्वी को CM प्रोजेक्ट करने पर तुले हुए हैं। देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस भी महागठबंधन से हाथ खींच लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।